हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी चौरसिया ब्लॉग्स। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि कल मेरा एसएससी सीजीएल का एग्जाम था और मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि एग्जाम के बाद मैं आपको अपने एग्जाम का रिव्यू जरूर दूंगी। तो एज प्रॉमिस्ड मैं आपको आज सब बताने वाली हूँ कि मेरे एग्जाम का लेवल क्या था, शिफ्ट कौन सी थी, मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और मेरा एग्जाम ऑल ओवर कैसा रहा। तो गाइस, सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने थे, तो गाइस मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट थे 70। मैंने 100 में से 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। मैं जानती हूं कि अटेम्प्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, बट आप ये भी जानते होंगे कि ये एग्जाम माइनस मार्किंग रखता है और माइनस मार्किंग में आपके नंबर जो है वो माइनस में जा सकते हैं, आपके नंबर डिक्रीज हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें आप श्योर हो, और श्योरिटी आपकी ऐसी होना चाहिए, आपकी एक्यूरेसी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी आपने जितना सोचा है आपको एक्सपेक्टेड उतने ही मार्क्स मिले। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि एग्जाम कैसा आया हुआ था, तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। मेरा जो एग्जाम शिफ्ट था वो था मेरा इवनिंग शिफ्ट, और मैंने ये भी बताया कि मेरा एग्जाम सेंटर जबलपुर में था। तो एग्जाम की बात करूं तो ऑल ओवर मुझे एग्जाम अपना मॉडरेट लगा, और यदि कुछ कमी थी तो शायद वो मेरे ही नॉलेज में कमी थी कि मैं पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाई हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मैथ्स के पोर्शन से। तो देखिए, मैथ्स मुझे अच्छी लगी, कहीं कहीं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस ज्यादा थे और कहीं कहीं आपके इजी क्वेश्चंस थे। मतलब बोलना चाहिए कि मैथ्स का जो पोर्शन था वो मॉडरेट था, कि आपको इजी क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं और थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। किस किस टॉपिक से आए हुए थे क्वेश्चन, तो देखिए, आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया हुआ था, और रेशियो से क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ था, और यदि मैं बात करूं एलजेब्रा तो एलजेब्रा का भी एक क्वेश्चन था। यदि मैं बात करूं इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिले, मेरी शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आए हुए थे। तो ऑल ओवर बात करी जाए तो मैथ्स आपकी अच्छी थी। इसमें मैंने 25 में से 16 to 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन था जो सारे स्टूडेंट का अच्छा होता है, स्कोरिंग भी होता है, और साथ ही साथ आपको एक श्योरिटी रहती है कि आपने जो टिक किया है वो बिल्कुल सही का आंसर होगा। तो यदि रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में मैंने समथिंग 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन आए थे वो थे सीरीज से क्वेश्चन आए हुए थे, आपके कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए हुए थे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए हुए थे, और जितने भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उसका ऐसा नहीं था कि लेवल बहुत अप हो, नॉर्मल क्वेश्चन ही थे जो हम करते आ रहे हैं। और यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। बस हाँ, कोडिंग डिकोडिंग के एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो थे इजी, बट आपका माइंड वर्क वहां पर ज्यादा था कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो जहां पर भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। तो जो क्वेश्चन मुझे थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहे थे मैं उसे स्किप करती जा रही थी, और हो सकता है कि लास्ट में वही 2-3 क्वेश्चन मेरे छूट गए हो। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इंग्लिश का, तो इंग्लिश मुझे बहुत अच्छी लगी। जो जो मैं पढ़कर गई थी मुझे ऐसा लगा कि उनमें से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिए, आपका वॉइस एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए एक क्वेश्चन आया हुआ था, और पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ नरेशन, नरेशन से एक क्वेश्चन आया था, सिनोनिम से क्वेश्चन आया था, एंटोनिम से क्वेश्चन आया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आए थे, एरर डिटेक्शन का एक क्वेश्चन आया हुआ था, और एक पैरा था जिसमें ब्लैंक थे, 5 ब्लैंक, और आपको उस ब्लैंक के लिए एक चूज करना था ऑप्शन। तो उस पैरा से 5 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इंग्लिश में लगभग ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे, जो जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसी से आया हुआ था। तो जो भी इंग्लिश में आया मैंने आपको बता दिया। यदि मैं बात करूं अपने इंग्लिश के अटेम्प्ट की, तो देखिए, इंग्लिश में 25 में से
मैंने समथिंग 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर सकता है, मगर बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो पूरे ही सही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सिली मिस्टेक हर स्टूडेंट के साथ हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। यदि मैं अपनी बात करूं तो 70 क्वेश्चन में से मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने कोई भी गलत नहीं किए हैं, बट हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगी कि मुझे जो सही लगा है मैंने सिर्फ उसी में से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मैंने यदि अपना स्ट्रैटेजी कभी बताई होगी आपको, यदि आपने मेरा कभी प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो जहां पे आपको चारों ऑप्शन कंफ्यूजिंग लगे तो आपको वो बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करने हैं। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके दो ऑप्शन में से आपको लगता है कि 60% इसके चांसेस हो सकते हैं, 40% ये, मतलब 50-50% वाला भी केस होता है, तो आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मगर जहां पे बिल्कुल भी आपको नॉलेज नहीं है और आपको चारों ऑप्शन सही भी लग रहे हैं या फिर चारों ऑप्शन गलत भी लग रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको स्किप ही कर देने चाहिए, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने ऐसा ही किया है। जहां दो ऑप्शन की बात हो रही थी कि मुझे दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि एक ऑप्शन ये हो सकता है, वहां पर ही अटेम्प्ट किया है। यदि चारों के चारों ऑप्शन नहीं पता है या फिर तीन ऑप्शन में भी मुझे कंफ्यूजन लगी, वो मैंने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो गाइस, ये आपको भी करना है। आप बिल्कुल भी अपना माइनस मार्किंग में मार्क्स नहीं देंगे, जितना सही लगे उतना ही अटेम्प्ट करिए। भले ही आप 70 अटेम्प्ट करिए, भले ही 80 करिए, ये मत बनाकर जाइए अपने माइंड में कि मुझे 90 अटेम्प्ट करना है या फिर मेरे फ्रेंड ने इतना किया है तो मुझे उससे ज्यादा करना है, क्योंकि ज्यादा तो आप अटेम्प्ट जरूर कर सकते हो बट ज्यादा गेन नहीं कर सकते हो आप मार्क्स उससे। तो ये बात आप मेरी याद रखिएगा। लास्ट जो मेरा वीक पॉइंट वाला पोर्शन है वो है जनरल अवेयरनेस का पोर्शन। उसमें मैंने 25 में से लगभग 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन ही किए होंगे, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं करंट अफेयर लास्ट वीक में पढ़कर जाती हूँ, और लास्ट वीक मैं पूरा करंट अफेयर कवर करती हूँ। तो लास्ट वीक में ही मेरी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं रही और 2-3 दिन मैं पढ़ाई पर नहीं दे पाई, तो हो सकता है कि करंट अफेयर का पूरा पोर्शन अच्छे से स्ट्रांग ना होने के कारण मैं ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई वो पोर्शन। यदि मैं बात करूं कि क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए थे, तो देखिए, क्वेश्चन मिक्स टाइप के थे। मुझे एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिखा था, उसमें कुछ केमिकल फॉर्मूला था और बताना था कि उस केमिकल का नाम क्या है और वो किसके लिए यूज होता है। सेकेंड में बात करूं तो एक बायोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें बायोडिग्रेडेबल एजेंट कोई पूछ रहा था कि बायोडिग्रेडेबल पार्ट कौन सा है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं करंट अफेयर की, तो देखिए, करंट अफेयर लगभग आपका 1 ईयर के अंदर अंदर तक का ही पूछ रहा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस 2021 से 2022 तक के करंट अफेयर अच्छे से देखकर जाइए। मेरा 2-3 करंट अफेयर 2022 का था और एक क्वेश्चन था 2021 से। और यदि मैं फेवरेट एसएससी के क्वेश्चंस की बात करूं, तो आप ये जो डांस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि कहाँ का फोक डांस क्या है और कौन सा डांस कहाँ किया जाता है, और आपको 3-4 ऑप्शन दे देते हैं कि कौन सा किस डांस के लिए जाना जाता है, तो ये सब आप अच्छे से देखकर जाइएगा। ये एसएससी के मोस्टली एग्जाम में मैंने देखा है कि फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन और किस स्टेट का कौन सा डांस है ये जरूर पूछा जाता है, तो आप ये देखकर जाइएगा। और भी यदि मैं बात करूं तो इंडिया के नेशनल पार्क और वहां पे कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि बिल्कुल बेसिक थे, लोग सिर्फ देखकर टिक लगा रहे थे, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो थोड़ा सा मुझे लगा कि उसी स्टूडेंट से बन सकता है जिसने उसके बारे में पढ़ा होगा। यदि मैं स्कीम्स की बात करूं, तो देखिए, अभी जो करंट की जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं 2021 और 2022, उन सबको आप कवर कर लीजिए। तो मेरे को लगता है कि यदि जितना भी है आप अच्छे से कर लेते हैं 2021 और 2022 दोनों का,
तो आपका जरूर अच्छा एग्जाम जाएगा। तो गाइस ऑल ओवर मैंने बता दिया कि एग्जाम मॉडरेट था, कहीं बहुत इजी क्वेश्चंस थे तो कहीं थोड़ा कैलकुलेटिव भी थे, कहीं ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था और कहीं क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनको स्किप ही करना पड़ रहा था। तो ऑल ओवर तो एग्जाम अच्छा था, मेरे अटेम्प्ट थे 70 out of 100। और आपका कैसा एग्जाम है, क्या डेट है आपके एग्जाम डेट, क्या है आपकी प्रिपरेशन क्या है, या फिर आपकी कंफ्यूजन जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन पे टाइप करके जरूर बताइएगा। और एग्जाम होने के बाद अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। एक बात और गाइस, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो और थोड़ा भी इंफॉर्मेशन इससे मिलती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस के इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच।